सो हेलो गाइस, वेलकम 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 बैक टू अनदर वीडियो। इट्स मी प्रोफेसर मिश्रा जी। तो कैसे हो आप सब लोग? अरे ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। अपनी पब्लिक है, मतलब अपनी पब्लिक तो हमेशा अच्छी चलती है। सो आज गाइस बहुत दिन हो गए सर गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको सॉरी, बस मतलब 6 या 7 मंथ्स हो गए अपने ब्लॉग अपने चैनल पर कोई भी ब्लॉग्स नहीं आए। सो उसके लिए सॉरी। आप लोग तो कंटिन्यूसली एकदम DM आते थे कि कब आ रहा, कब आ रहा वीडियो। हाँ सो गाइस, आज का दिन बहुत अजीब होने वाला है। कॉज मतलब आज हमारे बेब की सर्विसिंग है और हमारे बेब को आए हुए 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं। तो मुझे शोरूम से कॉल आया था कि मतलब आपने अभी तक की सर्विसिंग नहीं करवाई, और तो मतलब आज हम जाते हैं और इसकी सर्विसिंग करवाते हैं और बेब को एक कुछ नया मतलब लुक देते हैं। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी करवाने का, बट मॉडिफिकेशन का बाद में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसकी सर्विसिंग का बाकी है। तो मतलब कॉल आया तो पहले सर्विसिंग करवा लेते हैं एंड देन उसके बाद देखते हैं और क्या क्या करवा सकते हैं। आप देख सकते हो गाड़ी को 200 किलोमीटर ऑलरेडी हो चुके हैं, और जबकि मेरे को 1500 किलोमीटर में बताया था सर्विसिंग करने को, बट मैं लेट हो गया हूँ। तो मतलब मेरे को कंपनी वाले बार बार फोन कर रहे थे कि भाई आकर सर्विसिंग करवा ले, बट तुमको पता है तुम्हारा भाई मतलब हमेशा ही लेट उठता है और लेट काम रहते हैं हमारे सब, तो इसलिए वो नहीं करवाया मैंने। तो आज जा रहे हम लोग और सर्विसिंग कराते हैं, देखते और बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो ऐसे ही बने रहो ब्लॉग में। जैसे कि आप देख सकते हो ये रहा शोरूम फैक्ट्री का। तो मुझे यहीं पे मैंने अपनी गाड़ी ये वाली यहीं से उठाई थी, बट ये शोरूम बंद हो चुका है। कंपनी के बीच में शायद कुछ डिस्प्यूट्स हो चुके हैं, तो इसलिए ये शोरूम बंद कर दिया गया। तो इसलिए हमको मतलब कंपनी वालों ने बोले अब आपको मनीष नगर आना पड़ेगा। तो कंपनी वाले हमको लिटरली ऐसे घुमाते जा रहे हैं और मुझे अब लग रहा है कि कंपनी को जाके ऐसा मार देते हैं। बट क्या करें, हमारे भी हाथ मजबूर हैं हम थोड़े से। तो यही रहा शोरूम। तो अभी ये शोरूम कहीं और शिफ्ट कर दिया गया भाई। शोरूम दिखा दो। तो गाइस ये शोरूम कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। ये शोरूम को कहते हैं कि मतलब मनीष नगर में शिफ्ट कर दिया कोई और नाम से। तो चलो चलते हैं एंड देखते हैं, मनीष नगर चलते हैं अभी। हमको जब से ये लोग इधर से उधर घुमा रहे जा रहे, मतलब पूरा दिमाग कैसा खराब हो रहा है, कैसा लग रहा है। शोरूम वाला अभी जाता हूँ मैं, उसको बताता हूँ जिसने मेरे को शोरूम के लिए बोला था, मतलब गाड़ी सर्विसिंग के लिए बोला था। पहले एक तो मैं पहले बहुत आलसी इंसान हूँ, और ऊपर से अगर कोई ऐसा बोलता है कि हाँ भाई गाड़ी सर्विसिंग करवानी है और उसके बाद नहीं होती है, तो कितना ज़्यादा गुस्सा आता है। सो गाइस हम लोग चलते ही जा रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा हम लोग मतलब हमको मनीष नगर का पता बता रहा था, बट मेरे को लग रहा है हम लोग भटक गए क्योंकि मतलब एकदम जंगल झाड़ी जैसी जगह आ गई है और पता नहीं क्या क्या हमको मिलने वाला सामने में। वो भाई वो देख साला ये घर पूरा डरावना लग रहा है मेरे को यार। साला इधर साइड में कुछ अजीब सा नहीं लग रहा मेरे को? बहुत प्यारी जगह है, तो हम चलो चल के देखते हैं। जो भाई क्या बोलते हैं, चलो चल के देखते हैं उधर। मेरे को तो थोड़ा यहाँ पे डर टाइप से लग रहा है क्योंकि ऐसी कई टाइप में जा रहा हूँ क्योंकि गया नहीं हूँ मैं। तो जब मैं जोसेफ भाई बोल रहे हैं कि मतलब बहुत डरावनी जगह है और जोसेफ भाई जाने को मना कर रहे हैं, जोसेफ भाई चलते हैं या नहीं चलते? आप बताओ, अगर चलते अगर शूट के लिए अगर जगह अच्छी होंगी तो देख। हमारे जोजो भाई बोल रहे हैं कि हम आगे नहीं जाएंगे, तो आगे तुमको ही जाना पड़ेगा। तो ठीक है ना, हम कहाँ डरते हैं, हम तो एड़ी चाली करने के लिए बने हुए और हम एड़ी चाली करेंगे। जब तक एड़ी चाली हम नहीं करते तब तक हमारा दिन नहीं गुजरता है, मतलब बोले तो हम एड़ी चाली करने के लिए बने हुए, तो हम एड़ी चाली करेंगे फिर वो भूत हो या कोई भी हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इसमें भूल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है या तो गाइस मैं अपना गॉगल भूल रहा था। तो भूत अपने जगह और फैशन अपने भाई का अपने जगह। तो भूत आए कोई भी आए, अपन अपना फैशन फॉलो करते हैं और अपन अपनी एड़ी चाली फॉलो ही करते हैं, या फिर भूत आ जाए कोई भी आ जाए,
अपनी एड़ी चाली बरकरार रहती है। अगर भूत भी आ जाएगा तो उसके साथ भी हम एक पैक मार लेंगे, एक सिगरेट पी लेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं, स्टे ट्यून, बने रहो और आगे देखते हैं और क्या क्या मिलने वाला है। अगर भूत मिल गया अंदर जा रहे हो? हाँ, पीछे पीछे सपोर्ट करना पड़ेगा। ये जोसे भाई कह रहे हैं पीछे जाऊंगा, मतलब मरूंगा तो मतलब मैं ही मरूंगा। जोसे भाई को कुछ नहीं होने वाला, तो अपना व्लॉग का टेंशन मतलब ये जो व्लॉग है ये जोसे भाई ड्रॉप कर देंगे अपने चैनल पे, ठीक है। चलो चलते हैं, मिलते हैं, चलते हैं मिलते। Keep all your game as a loss, as a loss. It's all the same as a loss, as a loss. तो गाइज मैं इसके पहले आगे जाऊँ तो गाइज उसके पहले सबसे पहले मेरे को गाइज ये देख रहे हो आप लिटरली मधुमक्खियाँ। तो इसमें से मेरे को दो तीन मधुमक्खियाँ ने बहुत ज़्यादा काट लिया, जैसे कि आप हाथ पे देख सकते हैं मेरे। तो ऐसा लग नहीं रहा कि अंदर जाना सेफ होगा, बट ठीक है, फिर भी हम थोड़ा रिस्क उठा के हम जाएंगे क्योंकि हम लोग एड़ी चाली करने के लिए बने हुए। तो तुमको बताया तुम्हारा भाई एड़ी चाली करे बगैर रह नहीं सकता, तो तुम्हारा भाई बचपन से ही हार्ड है और ठीक है। तो मधुमक्खी काटी तो चलता है, कुछ ना कुछ ये नहीं होनी चाहिए, बट इसके पहले मधुमक्खी और हमारे ऊपर आए। ये रही मधुमक्खी, जैसे आप देख सकते हो ये रही। सो गाइस हम लोग फाइनली अंदर आ चुके हैं और अंदर का मेरे को जगह बहुत ज्यादा डरावनी लग रही है, जिसके आप देख रहे हो ये वायर वगैरह बहुत सारे टूटे हैं। जो सुबह ये वायर वगैरह देख के ना, बिकॉज मैं नहीं चाहता एक ब्लॉक के चक्कर में हमारी जिंदगी चली जाए, और ऐसा हो सकता है शायद, क्योंकि मतलब यहाँ पे बहुत सारी वीड वेड चीजें देखने को मिल रही है, जैसे वायर टूटे लग रहे मेरे को, अगर इससे हम रहना बिल्कुल सेफ नहीं है। बिकॉज जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखो लिटरली गाइस पूरा टूटी गिर रहा है, पूरा टूटी गिर रहा है, इसे आप देख सकते हैं। तो हम चाहे हम तो अगर ऊपर गए तो शायद हम गिर भी सकते हैं नीचे, ऊपर से नीचे, बट ठीक है, देखते हैं आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या मिल सकता है। इसकी इलेक्ट्रिसिटी शायद चालू है, अगर चालू हुई तो गाइस हमें करंट भी लग सकता है, बट ठीक है कोई बात नहीं, हम पागल है, आपको पता है हम इंसेन है, हम एड़ी चाली करने के लिए बने तो हम एड़ी चाली करते हैं। चलो मिलते हैं। और थोड़ा सा डर लग रहा है, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा लग रहा है, जैसे आप देख सकते हो ऊपर की देखो पूरे कीड़े मकोड़े से एकदम जाले वाले हो चुके हैं, और देखते हैं जैसे कि आप पीछे भी देख सकते हो ये देखो पूरे जाले वगैरह लग गए, और वो लिटरली इधर भी टूटा है, एक विंडो दो विंडो इस तरफ है ये घर की तरफ, और जैसे आप देख सकते हैं ये सब पूरे टूट चुके हैं, ये तो लिटरली टूट के गिर रहे हैं ऐसे। तो गाइस यहाँ पे रहना मतलब बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि मैं एक जगह और खड़ा था तो वहाँ की एरिया टूट चुकी थी, तो मैं गिरते गिरते बचा हूँ। तो ठीक है चलते हैं और देखते ऊपर क्या होगा। नीचे बहुत ज्यादा अंधेरा मिला, फाइनली हम लोग जब ऊपर आए तब जाके हमको थोड़ा सा रोशनी मिले, तो जाके ऐसा लग रहा है कि हाँ हम थोड़ा सेफ है ऐसा लग रहा है मुझे, नहीं तो नीचे ऐसा एकदम वियर्ड चीज़ें लग रही थी, कहीं मधुमक्खी तो कहीं कुछ ना तो कहीं कुछ, और बहुत सारे चमगादड़ भी मिले हमें रास्ते में, बट अब मुझे थोड़ा सेफ लग रहा है बिकॉज मेरे को थोड़ी सी ऐसे हवा मिली और अंदर बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी, बिल्कुल भी लिटरली एक भी हवा नहीं थी वहाँ पे और ना ही कोई रोशनी थी। तो जैसे कि तुम सब लोग देख सकते हो हम फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो बहुत साल के ऐसा लग रहा है 150 साल पुराने जैसे टाके यहाँ पे बने हुए हैं, और मतलब ये टाकों में पहले भी पानी भरता था बट अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये ऊपर आके एकदम अलग से सुकून सा लग रहा है, क्योंकि नीचे हमें चमगादड़ मिले और वो बहुत सारे मॉस्किटोज मिले, एंड वो जो बी होती है हनी बी हमें वो भी मिली, और वो लिटरली बहुत ज़्यादा काटे हमको, बहुत ज़्यादा ऊपर आने में बहुत ज़्यादा पेन हुए हैं।
तो और अब हम फाइनली ऊपर आए और हम लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर मतलब ऐसा कुछ नहीं है, हनी बी वगैरह कुछ नहीं है, थोड़ा सा डरावनी जगह है बट ठीक है। गाइस ये सब टाइल्स नहीं है, ये रॉक से बना है और ये रॉक्स पहले मिलते थे, ये रॉक्स अभी मतलब कहीं मिल ही नहीं रहे, तो मतलब इससे मुझे समझ में आता है ये गाइस 300 से 400 साल पुरानी बिल्डिंग है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. So guys, आपने एक चीज नोटिस की यहाँ पे मैं अगर एक बार आवाज दे रहा हूँ तो वो आवाज रिपीट कम से कम 10 टाइम्स आ रही है, जिसे फिर से देखो नोटिस करना। इसके आप देख सकते हो बिकॉज यहाँ पे एक ऐसी बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पे कम से कम 10 या 25 प्रकार की ऐसी बिल्डिंग है। दिखा दो भाई, जैसे ऊपर चढ़े थे तो हमको किसी अंकल ने देख लिया है और मेरे को लग रहा है कि गाइस यहाँ पे कोई आ रहा है, तो मेरे को हमको जल्दी इससे पहले पुलिस आए यहाँ पे और अंकल ने लिटरली देख के गया और घूर के गया, भगाया हमको और गार्ड, इससे पहले गार्ड और पुलिस आए तो इससे पहले हम भागते हैं। सो गाइस होप करता हूँ आपको वीडियो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, कॉज सबसे हटके कंटेंट था और हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ये सब कुछ एक्सप्लोर करना है, बट रास्ते में दिख गया तो एक्सप्लोर कर दिए और गाड़ी की सर्विसिंग बाकी है तो हम देखते हैं किसी और दिन करवा लेंगे। और दूसरी बात गाइस, मेरे को ये एमिनेंट प्लेस एक्सप्लोर करके बहुत ज़्यादा मजा आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो गाइस सोच रहा हूँ कि जो श्मशान घाट होते हैं, जहाँ पे श्मशान घाट होती है, मैं वहाँ पे बनाने का सोच रहा हूँ। तो आप क्या बोलते हो, वीडियो बनानी चाहिए मुझे? और मैं सोच रहा हूँ श्मशान घाट में पूरी रात गुजारने की, तो बताओ पूरी रात का वीडियो होना या नहीं होना? अगर होना तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और मतलब कमेंट करके जरूर बता देना कि चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक स्टे सेफ और अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो।